देखिए, ये सुशीला मंडल है, इसका परिवार हमारी पार्टी का समर्थक है। ये इसकी बहू और इसके बेटे बूथ पर काम कर रहे थे पार्टी की तरफ से, और टीएमसी के लोग बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उसका विरोध किया। घर पर आकर के पूरे घर को तोड़ा, उधर सामान छीना, उनके बेटे को तलवार से हमला किया, उनकी बहू को पीटा, इनके बूढ़े पति बोल नहीं सकते हैं, उनकी पिटाई किया, ये दरवाजा भी तोड़ दिया। अब मैं आपने एक ही नहीं आसुन। अब आप देखिए, अरे ठीक है, चलो। ये सुशीला मंडल है, मालूम है ना आपको, अति पिछड़े समाज से आती है। ये क्या हो रहा है ममता जी, ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है। और बात करती है लोकतंत्र की, शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। बहुत हिम्मत दिखाया आप, बस न्याय की मांग कर रहे हैं, बस न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं क्या घर वापस आ सके? नहीं आ सके, इसलिए इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस सुरक्षा देगी, इनका बेटा इनकी बहू यहां आ सके। और ममता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक गरीब सुशीला मंडल का बेटा और बहू अपने गांव के घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसका एक कतरा भी किसी बीजेपी रूल स्टेट में हुआ होता तो तूफान खड़ा कर देते कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, सीपीआई, नीतीश कुमार, जो इतने लोग बने हुए हैं। और यहां एक गरीब के साथ ये बदसलूकी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम अपील करेंगे इसके बेटे को सुरक्षा में इसके घर लाया जाए। ये अपने बेटे बहू के लिए तड़प रही है। धन्यवाद। कौन लोग इसकी जिम्मेदार? ये 8 तारीख को वोटिंग के दिन की घटना है। कौन लोग जिम्मेदार है? कौन लोग आए थे, कुछ बताया उन्होंने? हमने कहा कि चीनी ना, इन्होंने चीना नहीं, लेकिन वहाँ टीएमसी के लोग बूथ कैप्चर कर रहे थे, उसका विरोध किया था। आप समझ सकते हैं। ममता बनर्जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल आ रही है, लेकिन दूसरी जगह में जा, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मणिपुर में अमित शाह 4 दिन रहे कि नहीं, बाकी लोग गए कि नहीं? अभी ममता जी, आप हमसे सवाल मत पूछे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस सुशीला मंडल का बेटा अपने गांव आ सकता है कि नहीं? बाकी आस्ते देवे ना बोलचे कारा बोलेचे बोलचे ভিডিও উত্তর দেব না কারা বলেছে এই ওই বিজেপি পার্টির লোকেরা বলছে বাড়িতে উত্তর দেব না ভিডিও ছাড়া করতে করব এই বিজেপি পার্টিটা বলছে কি বলেছে বলছে ভিডিও ছাড়া করব বাড়িতে উঠলে এখন যদি না আসে ও ভোটের পরের দিন থেকে চলে গিয়েছে इस महिला ने हमें ईमानदारी से बताया है और आपको भी ईमानदारी से बताया है। अब ममता बनर्जी का ये भी टेस्ट है कि इसके ऊपर इसका खामियाजा नहीं होना चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हमारे इनकी सुरक्षा में चिंता करेंगे, ताकि तुलते पारी ना खावाते पारी ना, हम की करबो बोलो, हमार बाड़ीर बच्चा जदि चले जाए ना थाके हम की करे डाकबो ओर बच्चा बुढ़ो मानुषटाके निये, आमार भय लागछे बाबा रात्रि रात्रि कान के छेले बोपा बो मारबो बोलछे एसे आमार भय, आमी घरे चुप करबो। हमारी पार्टी आपके साथ है, दरजा भी वो दरजा टपलेंगे, पत्रकार लोग भी आपके साथ है, उन्होंने आपका दर्द सुना है, हैं? और मैं उम्मीद करूंगा कि ममता जी इसके आंसू को देखेंगी और समझेंगी। और आप, एक गरीब सुशीला मंडल रो रही है अपने बेटे के लिए, बेटा घायल है, और अपनी बहू के लिए, उनको बिल्कुल लाना चाहिए। ठीक है।